2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने विपक्षी दल को चित्त करने के लिए एक और बड़ा बाउंसर मार दिया है और उसका नाम है CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। हालांकि अब CAA को एक और नाम दे दिया गया, विवादास्पद कानून। अब इस कानून को बनने से पहले ही इसका नाम विवादास्पद क्यों रखा गया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि आम चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने CAA लागू करने की घोषणा कर दी है, जिससे एक खास तबका परेशान हो गया। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपको याद होगा कि मोदी सरकार 2.0 के आते ही यानी साल 2019 में CAA को संसद में पारित कर दिया गया था और अब चुनाव से पहले सरकार ने CAA से जुड़े नियमों को नोटिफाई यानी सूचित कर दिया। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार कभी भी देश में CAA लागू कर सकती है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के इस कदम के बाद हमारे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। लेकिन बहुत से लोगों को CAA को लेकर कई उनके सवाल हैं, कई चिंताएं। तो आज हमारे इस शो में आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, जो इस कानून बनने से पहले ही इस कानून को विवादास्पद बना रहे हैं। पहला सवाल, कानून बना तो किसे मिलेगी नागरिकता? 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिम धर्म के लोग यानी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी प्रताड़ित होकर यहाँ आए हैं या फिर भारत में शरण ले रहे हैं, वो CAA के तहत भारतीय नागरिक बनने के योग्य होंगे। दूसरा सवाल, CAA के लिए कैसे भरे जाएंगे फॉर्म? जैसा कि सब जानते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद हर सरकारी काम ऑनलाइन तरीके से किया जाता है, तो CAA के लिए भी सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। पोर्टल के जरिए सभी अहम जानकारियां मिलेंगी और भरी जा सकेंगी। तीसरा सवाल, अपराधियों को नहीं मिलेगी नागरिकता? जो लोग ये सोचते हैं कि वो विदेशी धरती पर अपराध करके भारत में आकर संरक्षण हासिल कर सकते हैं, तो उन्हें बता दें कि CAA से जुड़ा फॉर्म भरते वक्त आपको अपनी हर जानकारी देनी है। अगर आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में भी बताना होगा, क्योंकि अगर सरकार को लगेगा कि किसी शख्स को नागरिकता देने से भारत में खतरा हो सकता है तो उसका फॉर्म कैंसिल भी किया जा सकता है। अब चौथा सवाल, क्या क्या जानकारियां देनी होंगी? तो जो भी आवेदक भारत में नागरिकता पाने के लिए फॉर्म भर रहा है उसे अपनी हर जानकारी, जैसे माता पिता का नाम, कब से भारत में रह रहे हैं, किस देश से आए हैं, किस धर्म से आपका संबंध है, यहाँ तक कि अगर भारत में आकर किसी से शादी भी की है तो उसकी भी पूरी जानकारी आपको देनी होगी। छोटे बच्चों के लिए अलग फॉर्म दिया जाएगा। पांचवा सवाल, क्या क्या दस्तावेज देने होंगे? जो भी भारत में नागरिकता पाना चाहता है उसे शेड्यूल 1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज देने होंगे। शेड्यूल 18 यानी शेड्यूल 18 के तहत 20 तरह के दस्तावेज और शेड्यूल IC के तहत एक एफिडेविट आपको देना होगा, जैसे कि आप किस देश से आए हैं, वहाँ का पासपोर्ट, रेजिडेंशियल परमिट, बर्थ या स्कूल सर्टिफिकेट, लाइसेंस, घर, जमीन या किराए का घर अगर आपका है तो उसका अग्रीमेंट, ID प्रूफ, भारत में आने का दिन, वीजा या इमिग्रेशन समेत सारी जानकारियां आपको देनी होगी। छठा सवाल, जिसके पास दस्तावेज नहीं उसे मिलेगी नागरिकता? तो आपको बता दें कि फॉर्म भरने के लिए दस्तावेजों को जरूरी नहीं किया गया। अगर आपके पास कागज नहीं है तो उसका कारण बता सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट, वीजा की पूरी जानकारी तो आपको देनी ही होगी। सातवां सवाल, कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट? CAA को लेकर सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। एक बार अगर आपका फॉर्म जमा हो जाने के बाद सरकार को तसल्ली हो जाती है तो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, आप कहीं से भी उसकी हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं। साथ ही आवेदक को सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी देना होगा, जिसके तहत फॉर्म में जो जानकारी दी गई है वो सारी सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्म में दी गई जानकारी झूठी या फर्जी पाई गई तो सीधे सीधे आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों, ये वो सभी सवाल और उनके जवाब थे जो CAA को लेकर ज्यादातर लोगों के मन में। सबसे अहम सवाल, आखिर क्या है CAA जिसे लेकर देश का एक खास समुदाय और विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं? तो सुनिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA का मकसद पड़ोसी देशों में धर्म के नाम पर सताए गए लोगों की रक्षा करना और उन्हें भारत में शरण देना है। यह कानून उन्हें इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ होने वाली कार्रवाई से भी बचाएगा। जो भी लोग भारत में नागरिकता पाना चाहते हैं उनकी भारत में एंट्री 31 दिसंबर 2014 से पहले की होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय नागरिकता उन्हीं लोगों को दी जाती है जो भारत में या तो पैदा हुए हों या फिर कम से कम 11 साल से भारत में रह रहे हैं। प्रपोज अमेंडमेंट में भारत के विदेशी नागरिक यानी OCI रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का प्रोविजन भी शामिल है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर विपक्षी दल क्यों CAA का विरोध कर रहे हैं।
तो दोस्तों बात दिसंबर 2019 की है जब संसद में सीए को पेश किया गया और पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया। कई विपक्षी दलों ने कानून की आलोचना की, इसे भेदभावपूर्ण बताया। अब कांग्रेस ने इसका मकसद पश्चिम बंगाल और असम में आगामी लोकसभा चुनावों का ध्रुवीकरण करना बताया, क्योंकि पाकिस्तान या बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लोग इन्हीं राज्यों में शरण लेने आते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। 9 बार सरकार ने, मोदी सरकार ने एक्सटेंशन मांगी सुप्रीम कोर्ट से, 9 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 9 बार, और 4 साल और 3 महीने के बाद ठीक चुनाव के वक्त उन्होंने ये रूल्स की घोषणा की है। मकसद क्या है? मकसद, पहला मकसद है ध्रुवीकरण। इनकी रणनीति, चुनावी रणनीति ध्रुवीकरण की होती है, और खास तौर से पश्चिम बंगाल और असम के इलेक्शन को लेकर ये अभी घोषणा की है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री विजय ने घोषणा की है कि उनके राज्य में सीए लागू नहीं होगा। तो कुछ राजनीतिक दल बीजेपी के इस फैसले को सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने वाला कानून बता रहे हैं। आपको याद होगा कि सीए को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बाद पुलिस कार्रवाई में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अब एक बार फिर से विवादास्पद कानून कहे जाने वाले सीए को सरकारी अमली जामा पहनाने की कोशिशें रफ्तार पकड़ चुकी है। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में सीए लागू किया जा सकेगा या फिर से इस पर बहस होगी? तो इन तमाम मुद्दों पर अब लोगों में भी बहस शुरू हो चुकी है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।